जमुना मैरिज गार्डन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया मंडल कार्यकर्ता कार्यक्रम। बनी रहे न्यूज जतारा के साथ। न्यूज जतारा चैनल से गोविंद दासपाल की रिपोर्ट। खबर आए है खरगापुर से। न्यूज जतारा चैनल छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबरों पर गौर तालाब करता है। खबर की शुरुआत यहां से होती है। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा खरगापुर जमुना मैरिज गार्डन में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर सहित कश्मीर से 370 धारा भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हटाई गई है। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और विकास कार्य हुए हैं और उद्योग धंधे लगाने के लिए हम सभी तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने दी है, जिसका कार्य बहुत जल्दी ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीटों से अधिक लाकर अपनी सरकार बनाएगी और इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बाइट वीरेंद्र कुमार खटीक, सांसद प्रत्याशी टीकमगढ़ लोकसभा। आप टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा से चौथी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। विकास अभी क्या हुआ है? तीन बार आप सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी अभी हैं वर्तमान में, क्या कहेंगे और आगे के विकास के लिए क्या आपने कार्यशैली बनाई? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें आने के बाद मध्य प्रदेश सहित देश में जो विकास हुए हैं, टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में भी जो विकास के काम हुए हैं, 2014 के पहले उसमें से तो बहुत सारे काम सपना हुआ करते थे। झांसी से खजुराहो राष्ट्रीय फोर लेन एक्सप्रेस हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, जर्जर हालत में था। यूपीए की सरकार के समय से उसके लिए प्रयास किए, उसको स्वीकृत होने के बाद भी उसको रोक दिया गया था। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस काम को माननीय गडकरी जी के माध्यम से आगे बढ़ाया और आज इतनी अच्छी श्रेष्ठ उत्तम गुणवत्ता युक्त वो फोर लेन एक्सप्रेस हाईवे बना। इसके साथ ही साथ ओरछा से टीकमगढ़ होते हुए रायगढ़ और जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 539 ये हमारे क्षेत्र में बनने जा रहा है। टीकमगढ़ जिला राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर नहीं था, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर आ गया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से जहाँ परिवहनों का संसाधन बढ़ता है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों के साथ साथ रेलों का भी होना बहुत आवश्यक है। तो रेल मार्ग यहाँ था ही नहीं, रेल यहाँ पर जब रेल पटरियाँ नहीं चली थी तो यहाँ पर रेल नहीं चल सकती थी। यहाँ पर रेल लाने, रेल लाने के बाद बहुत सारी रेल की सुविधाओं का लाभ मिला। केन बेतवा नदी को जोड़े जाने के लिए सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय योजना बनाई गई थी, उसको यूपीए की सरकार के द्वारा रोक दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद इस योजना के लिए 44,500 करोड़ रुपया स्वीकृत किए गए और आने वाले समय में शीघ्र ही जब ये केन बेतवा नदी का काम पूरा होगा और पूरा होने के बाद किसान के खेतों में नहरों से और पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा, तो हमारे क्षेत्र का किसान पंजाब और हरियाणा के किसान से कहीं ज़्यादा सशक्तिकरण के साथ में फसल की पैदावार करके बुंदेलखंड का नाम गौरवान्वित करेगा। हमारे क्षेत्र में टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी, उसके लिए भी राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई। छतरपुर में भी और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई, एक विश्वविद्यालय बना। टीकमगढ़ में एलिमको का जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण बनाने का यूनिट है, उसका कानपुर की एक यूनिट टीकमगढ़ में भी लगने जा रही है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए छतरपुर में एक CRC जो सारे राज्यों में एक होता है, अभी देश के सभी राज्यों में CRC नहीं हुआ, जो दिव्यांगजनों के उनके फिजियोथेरेपी के लिए, उनके सहायक उपकरणों के लिए और साथ ही साथ कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए, कृत्रिम हाथ कृत्रिम पैर लगाए जाने के लिए उसके लिए काम करता है। और वहाँ पर दिव्यांगजनों से संबंधित कोर्स के लिए डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स भी वहाँ पर आने वाले समय में प्रारंभ किए जाएंगे। ये बहुत सारे काम जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बाद हमारे क्षेत्र के लिए मिले हैं, आने वाले समय में 10 साल में जो काम हुआ है, आने वाले 5 साल इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे और हमारे क्षेत्र के विकास में भी सरकार का हम आपको योगदान मिलेगा। टीकमगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने बताया कि मतलब एलिमको की यूनिट फैक्ट्री जो है ना,
वो यहाँ पर टीकमगढ़ में प्रारंभ होने जा रही, जो कि कभी किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। आज एलिमको की यूनिट आई है, जब रेलवे की सुविधाओं का विस्तार आज टीकमगढ़ में हुआ है, सड़क मार्गों का विकास हो रहा है, NH भी बनेगा, जब इस तरह की सुविधाएं जुटती हैं तो इस तरह के औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उस पर बल मिलता है, प्रेशर मिलता है। और शासन की योजना भी है PPP के माध्यम से इस तरह के औद्योगिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप की बात की है, मैं अपने क्षेत्र के नौजवानों को बराबर इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ कि आप अपना स्टार्टअप प्रारंभ कीजिए, उसमें शासन की विभिन्न योजनाओं को लाभ दिलाने में मैं आपके साथ में रहूँगा। उद्योगपतियों का भी मैं आह्वान करता हूँ कि वो आगे आएँ और शासन की योजना का लाभ लेकर यहाँ पर अपना उद्योग धंधा स्थापित करें। शासन से जो सब्सिडी मिलती है और रेट टैक्सेशन का जो रिबेट मिलता है, वो सारा का सारा उनको दिलवाने का मैं पहल करूँगा।